नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशोर और आप लाइव हमारे चैनल पे यानी किशोर कुमार बैनर्जी पे। इस चैनल में हम न्यूज, ट्रैवल वीडियोस और ड्रामास रेगुलर बेसिस पे लाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं अब झारखंड, गिरिडीह झारखंड में हूँ। मैं कुछ काम से आया था और आज मेरा रेस्ट डे है, तो चलिए उसरी फॉल्स घूमते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गिरिडीह से उसरी फॉल्स का डिस्टेंस करीब 14.1 किलोमीटर है। दोस्तों गिरिडीह तक पहुंचने के लिए आप कोलकाता से ट्रेन ले सकते हो। कोलकाता से गिरिडीह तक पहुंचने का ट्रेन इन्फो और वीडियो ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, उसे क्लिक करें और आप वो वीडियो देख सकते हो। हम पचम्भा नामक एक जगह पे ठहरे थे। हमारा जर्नी वहीं से शुरू हुआ। वहां से हमें पहले गिरिडीह बस स्टैंड तक पहुंचना था और हमें गिरिडीह से धनबाद के बस पे चढ़ना था। वो बस रूट उसरी वाटरफॉल होते हुए जाती है। बस का टिकट प्राइस 10 रुपए है। उसरी फॉल्स के गेट से वाटरफॉल करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। चलते हुए हमें सबसे पहले आदिवासी बस्ती मिलता है। अभी करीब मेन रास्ते से ये 3 किलोमीटर का रास्ता है जो हम अब जा रहे हैं। हम पैदल ही मार रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ना कोई ऑटो है और ना कुछ है। मेन जो बस आपने देखा वो बस धनबाद तक जा रही थी, वो रास्ते से 3 किलोमीटर है। चारों तरफ हरियाली के बीच इस सुनसान रास्ते में चलने का मजा कुछ अलग था। इस एकांत में मेडिटेशन करने का मजा अलग है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ जो है जंगल ही जंगल है। आगे पता नहीं जो वाटरफॉल है कैसा दिखेगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं पहले। बीच बीच में हमें इन जंगलों के भीतर उसरी नदी दिखती हुई नजर आई। उसरी नदी पत्थरों के ऊपर से बहती है और वाटरफॉल पहुंचने से पहले धीरे धीरे नदी से झरने में रूपांतरित होती है।
ऐसा ही एक जगह हमें वाटरफॉल से पहले मिला। उसरी फॉल्स के गेटवे कंपाउंड में कार पार्किंग की सुविधा है और सर्दी के मौसम में जब यहाँ पिकनिक होते हैं तब इस स्थान को कुकिंग के लिए भी यूज किया जाता है। उसरी फॉल्स में हमें एक खाने का दुकान मिला जहां मिनरल वाटर के बॉटल, बिस्किट के पैकेट, चिप्स इत्यादि मिलते हैं। तो दोस्तों हम उसरी फॉल्स आ चुके हैं और यहां पे जैसे कि प्यास लगी थी मुझे, तो ये जो भाई साहब है आप जैसे देख पा रहे हो इनका दुकान लगा हुआ है इधर, और ये यहां पे क्या कहते हैं इसको, पानी का बोतल, बिस्कुट का पैकेट सब कुछ रखते हैं यहाँ। वन स्टॉल है, एक दुकान ही है। तो भैया बताएंगे और ज़्यादा, क्योंकि भैया यहाँ पे हमेशा रहते हैं। बताइए भैया। हाँ, हम लोग जो जैसे कि बहुत दूर दूर से टूरिस्ट सब आता है उसके लिए व्यवस्था रखे हैं कि पानी है, कुरकुरे, बिस्कुट और उन्हें बहुत कुछ खाने उने का सुविधा जितना हम लोग सकते हैं उतना रखे हैं, और देखभाल भी करता है हम लोग का आदमी प्रतिनिधि। हाँ, यहाँ देखें कि गाइड टाइप का रहता है, गाइड वुड भी करता है हम लोग का आदमी, वही हम लोग करते हैं, मैंने यात्री सबको सेवा करते हैं। ये मतलब शाम तक कितना देर तक खुला रहता है? मैंने सुबह 5 बजे से शाम मैंने 4:30 बजे तक खुला रहता है। जब तक मतलब वो ये रहा धूप, क्या कहते हैं इसको, लाइट। और मैंने टूरिस्ट अभी किसी का मैंने खाना वाना बनाने में थोड़ा लेट होता है, उन लोग जब तक नहीं उठे तब तक हम लोग भी रहते हैं। अच्छा, पिकनिक भी होता है? पिकनिक ही होता है, और मैंने पिकनिक का दिन आता है मैंने दिसंबर से जनवरी तक पिकनिक का जगह, पिकनिक बहुत सारे आदमी पिकनिक करके चला जाता है। तो दोस्तों होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हमने उसरी फॉल्स झारखंड एक साथ एंजॉय किया। तो लगातार आप फ्यूचर में ऐसे ट्रैवल वीडियोस, न्यूज़ और ड्रामास देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए किशोर की तरफ से टाटा।